हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जो इस वीडियो में हमारे इस वीडियो में जितने सारे लोग देख रहे हैं इस वक्त, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं ये बताऊंगा कि जो कैफेटेरिया में चाय की रेसिपी जो बनती है, मैं आपको एकदम क्लियरिटी आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो चाय जो बनाई जाती है वो किस हिसाब से हम लोग बनाते हैं और रेनबो की चाय किस तरीके से होती है, मैं आप इस वीडियो में दिखाऊंगा। थोड़े से आप बने रहें वीडियो में, मैं आपको इसमें सारी चीज़ें दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक ज़बरदस्त टी के साथ। दोस्तों, चाय की रेसिपी बनाने के लिए दुबई में पूरी चाय की जो रेसिपी बनती है वो रेनबो टी होती है। आप ये देख रहे हैं कि रेनबो जो टी लगी है, इसके हिसाब से हमें चाय बनाने में बहुत ही आसानी के साथ हम लोग बना देते हैं। और ये देखिए, हमने इसमें रेनबो निकाल दिया है पहले से, और ये वो रेनबो होता है, ये आप देख लें, इसके अंदर जो है कि इलायची का रेनबो मिक्स होता है, आप ये भी देख लें। अब हम बात करते हैं चाय कैसे बनाते हैं। तो चाय सबसे पहले हमें ऐसी पतीली को, ये 4 लीटर की को मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, पानी मैं कहाँ तक रखा हूँ, ये आप देखिए कि पानी जो इसमें मैं बॉयल में इतना रख दिया हूँ उबलने के लिए, और इसकी स्पीड कुछ इस तरीके से आप इसको बॉयल करिए। ये खूब अच्छी तरीके से इसको बॉयल होने दीजिए। अब जब तक बॉयल हो जाता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका अगला स्टेप क्या होता है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा है, हमारा पानी एकदम अच्छे से एकदम उबल चुका है। ये उबलता हुआ पानी को हम इसको ढक्कन को आराम से निकाल देंगे। ये देखिए कि जो हमारा जो पानी है वो गर्म होकर के बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। आपका ये पानी, अगर आपको देखो कितना पानी निकाला, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे पानी आपका, पहले आप डालते वक्त आपको इतना डालना है, ये पानी गर्म होकर कितना आना चाहिए, और ऑलरेडी गर्म हो चुका है और पानी ज़्यादा था, हमने यहाँ पर पानी निकाल दिया है। दोस्तों, यहाँ पर हमने शुगर, एक जो आपका रेनबो, आपका जो रेनबो बॉक्स रहेगा उसको आप कट करके हाफ कट करेंगे तो उसमें आपकी चाय की पत्ती आएगी, और उसी को कट करेंगे तो उसमें शुगर आएगा। शुगर आपको इतना ही डालना है जितना आप देख रहे हैं, उतना ही आपको शुगर डाल देना है। और आपने दूसरा स्टेप करना है, आपको चाय की पत्ता, आसाम की पत्ती होती है, उसको आपको डाल देना है, और इसे जब तक आप हीट होने दीजिए। अभी हमने देखिए शुगर डाल दिया है और चाय की पत्ती डाल दिया है, तो ये ऑलरेडी होकर के ये यहाँ का लाइन पे आ गए हैं। अब हमको इसको, इस लाइन को एकदम नीचे लेके जाना है, इतना गर्म करना है कि नीचे लेके जाना है। स्पीड थोड़ी सी कम हमको करना है ताकि ये गिरने ना पाए। हमने यहाँ पे स्पीड कम कर दिया है। दोस्तों देखिए, ये अभी उबलना और पकना शुरू हो जाएगा। अब पकते पकते आप एक लाइन के हिसाब से जब दूसरी लाइन पर आएगा, हमें वहाँ पर बंद करना है। अब इसके बाद आप इसमें चाहें तो 4 या 5 जो लौंग आप यूज़ कर सकते हैं, इलायची यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं डालना है तो आप नहीं डालिए, हम यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। आपको अगर जो पसंद हो आप डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा उबलना शुरू हो गया है। ये करीबन 12 से 15 मिनट तक ये बॉयल करेगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि चाय हमारा कैसे बनकर रेडी हुआ है। जब तक के लिए दोस्तों मैं ये दिखाता चलूँ कि जो गिलास में जो हम लोग चाय डालते हैं वो कितने हिसाब से डालते हैं और कैसे इसकी चाय की टेस्ट आता है। तो दोस्तों, ये जो आप रेनबो देख रहे हैं, ये रेनबो की मदद से आप एकदम आसानी के साथ इस तरीके से आप एक बार ऊपर की तरफ लेके जाएं और एक तरफ नीचे की तरफ लेके आएं, ये इतना उतना ही जाएगा जितना आपको चाय में यूज़ करना होता है। यहाँ पे मैं एक रियल चाय कैफेटेरिया में जो हम लोग यूज़ करते हैं, मैं आपको वही चाय दिखा रहा हूँ जो हम लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैंने कितनी आसानी के साथ अभी यहाँ पर डाल दिया है। मैं एक दो आपको निकाल कर दिखा देता हूँ, इसकी साउंड देखिए कितनी प्यारी है। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि जो दूध हमने डाला है इसमें रेनबो का, वो एक बराबर के हिसाब से डाला है ताकि चाय निकालते वक्त इसका टेस्ट बिल्कुल बरकरार और बिल्कुल बेस्ट और बेहतर रहे। अभी तो हमारा ये चाय भी पक रहा है, इसीलिए हम आपको अभी नहीं बता रहे हैं। अभी जब तक के लिए हमारा चाय पकने दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कब बंद करना है और किस तरीके से चाय को हम लोग केतल में डालते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा वो चाय बन करके, देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं अभी चेक करूँगा कि अगर ज़रा सा भी इसकी बाकी रहेगा तो मैं उसको दोबारा से चालू करूँगा। यहाँ आपने बंद कर दिया है,
दोस्तों जैसे देख रहे हैं कि एक लाइन पे वो ख़त्म हो चुका है, अभी दूसरी लाइन पे भी आना बाकी है। ये देखिए दूसरी लाइन पे भी नहीं आया है, इसके लिए थोड़ी सी इसको इनको और बॉयल करना होगा। तो दोस्तों फाइनली हमारा यहाँ पे चाय बन करके रेडी हो गया है, आप देखें दोस्तों। ये देखिए बराबर एक जगह पे जा के रुक गए हैं और ये बिल्कुल ही हमारा चाय बनकर के रेडी हो चुका है। अब हम कस्टमर को इसे दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे भी दिखाने वाला हूँ जो हम लोग केतल के अंदर जो डालते हैं हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अभी आप देखें ये कपड़े जो है ना, इस कपड़े के अंदर केतल के अंदर इसको एक रिंग होता है, रिंग के अंदर हम लोगों ने बना करके आपको सिलवा करके इसके अंदर इसको पहना देना है और इसके बाद इसको चाय इसी के अंदर हम लोग को डालना पड़ता है। जब हम लोग चाय इसके अंदर डालते हैं तो जो चाय की पत्ती होती है वो ऊपर रहता है और जो चाय होता है वो छना हुआ चाय नीचे रहता है और इसको बिल्कुल स्लो आँच पर के डाल करके हमें छोड़ देना होता है ताकि ये हल्के हल्के आँचों से हल्का हल्का आँचों से गर्म होता रहे और कस्टमर को देने के लिए टेंशन ना हो। बस आपको यहाँ से आपको चाय लेना है और जो हमने आपको रेनबो दिखाया है बस रेनबो चाय ग्लास में जितना आपको चाय को यूज़ करना है उसमें उसमें डाल सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा हमारा इस वीडियो, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद है तो इंशाल्लाह तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर करके दूसरा हमारा वीडियो आने वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों ऐसे ही मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।